दोस्तों, अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ थी कि कोई बेंच खाली नहीं थी। एक बेंच पर एक परिवार बैठा हुआ था जो पहनावे से हिंदू लग रहा था। बुरखे में एक अधेड़ सुसभ्य महिला बैठी थी। बहुत देर चुपचाप बैठने के बाद बगल में बैठे युवक से महिला ने पूछा, अजमेर के रहने वाले हैं या फिर यहाँ घूमने आए हैं? युवक ने बताया, जी अपने माता पिता के साथ पुष्कर में बैठे ब्रह्मा जी के दर्शन करने आया था। महिला ने बुरा मुंह बनाते हुए फिर पूछा, आप लोग अजमेर शरीफ की दरगाह पर नहीं गए? तो उस युवक ने महिला से प्रति उत्तर कर दिया कि आप ब्रह्मा जी के मंदिर गई थी। महिला अपना मुंह और बुरा बनाते हुए बोली, लाहौल बिला कुलवत, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है और आप पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा के मंदिर गई थी? तो युवक थोड़ा गुस्से में आकर बोला, जब आप ब्रह्मा जी के मंदिर में जाना हराम मानती हैं, तो हम क्यों अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाकर अपना माथा फोड़ें? महिला युवक की माँ से शिकायती लहजे में बोली, देखिए बहन जी, आपका लड़का तो बड़ा ही बदतमीज है। ऐसी मजहबी कट्टरता की वजह से ही तो हमारी कौमी एकता में फूट पड़ रही है। युवक की माँ मुस्कुराते हुए बोली, कौमी एकता का ठेका हम हिंदुओं ने ही ले रखा है। अगर हर हिंदू माँ बाप अपने बच्चे को बताए कि अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती ने किस तरह इस्लाम कबूल ना करवाने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र फेंक दिया था, शायद ही कोई उस मुस्लिम की कब्र पर माथा पटकने जाएगा। बाद में पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने मोहिनुद्दीन चिश्ती के टुकड़े कर दिए थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में हराने के बाद भी छोड़ दिया था, जबकि एक बार उसने हराने पर पृथ्वीराज चौहान की आंखों में जलता हुआ सरिया डाल दिया था, जिससे वो अंधे हो गए थे। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की आवाज सुनकर उसी दिशा में तीर चलाने की कला को देखना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान के हाथों में तीर आते ही उसने सीधा गौरी की आवाज पर निशाना साधा। गौरी की गर्दन पर तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मार डाला। वो लोग पृथ्वीराज के शव को घसीटते हुए अफगानिस्तान ले गए और दफन कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की कब्र के पास जो भी मुसलमान जाता था, प्रचलन के अनुसार वहां रखे जूते से उसे मारता था। फिर भी हम हिंदू हैं जो सेकुलर बने फिरते हैं। बाद में शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की कब्र से उनका शव निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियों को हिंदुस्तान लेकर आए और गंगा में प्रवाहित कर दिया। अजमेर के ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोहिनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गोरी को भारत लूटने के लिए उकसाया था। तो मैं जानती हूँ कि ज्यादातर हिंदू इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, लालत है ऐसे हिंदुओं पर। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।